नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मात्र 2 घंटे में बनके तैयार हो जाने वाले चावल के पापड़ की रेसिपी। और इस वाले रेसिपी को कोई भी बना सकते हैं। यदि आप लोग अच्छे से वीडियो को देख के समझ लेंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे, क्योंकि ये वाले पापड़ में टूटने फटने का तो डर है ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर चावल के पापड़ के लिए आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं, मोटा वाला पतला वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो चावल अड़वा चावल लेना है यानी कच्चा चावल लेना है, यदि उसना चावल का आप लोग पापड़ बनाने का कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। पापड़ अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसना वाला चावल जो है उसको आप कितना भी पीसिए वो पिसता नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास ये बारीक वाला ही चावल है, तो मैं इससे ही आपको पापड़ बना के दिखा देती हूँ। आप यदि ज्यादा मात्रा में पापड़ बनाना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप सस्ती वाली चावल जो अड़वा मोटा वाला होता है वो भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको पापड़ बनाने में सहूलियत होगी और सस्ता भी पड़ता है। पापड़ ऐसा रेसिपी है ना दोस्तों कि हर रोज आपको खाने का मन करेगा। घर में सब्जी हो ना हो, यदि दाल चावल चटनी पापड़ मिल जाए तो भी भरपेट खाना खाया जा सकता है। तो आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चावल को 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो के साफ कर लेना है। उसके बाद इसको पूरे रात के लिए पानी में डाल के भीगने देंगे। चावल के पापड़ के लिए आप चावल को जितना ज्यादा फुलाएंगे उतना ही अच्छा खस्ता आपका पापड़ बनेगा। और 5 से 6 घंटा पहले आप यदि चाहेंगे कि चावल को पानी में रख के फिर इसका पापड़ बनाएं तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो पापड़ खाने में एकदम हार्ड लगेगा, वो सॉफ्ट नहीं लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो आप इसको पूरे रात के लिए चाहे भिगा सकते हैं या एक दिन एक रात भी आप इसको भिगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादा समय के लिए चावल भिगाएंगे तो काफी गर्मी है अभी, बीच में एक बार पानी को चेंज कर दीजिएगा। तो चावल को पहले से ही अच्छे से धो के साफ करके और पूरे रात के लिए भिगा दी हूँ, जिससे कि वीडियो झटपट से बना के आपको दिखा सकूं दोस्तों। तो देखिए, चावल जो है हमारा अच्छे से फूल चुका है। फूलने के बाद इसका देख पा रहे कलर एकदम से चेंज हो गया है, क्योंकि इसे 5 से 6 बजे शाम को ही डाल दी थी फूलने के लिए, तो इससे चावल को फूलने का बहुत ज्यादा समय मिला है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, सुबह में एक बार इसका पानी को चेंज कर दी हूँ, लेकिन फिर से इसको 2 पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो खट्टापन आ गया होगा वो सब सारे साफ होके और चावल हमारा एकदम क्लीन हो जाएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर हर तरह के पापड़ चिप्स की रेसिपी मिल जाएगी, जो कि हर रोज काम आने वाली रेसिपी है। चावल को अच्छे से धो के साफ कर ली हूँ। अब क्या करेंगे, चावल को पीसेंगे। पीसने के लिए यहाँ पर छोटा वाला जार बहुत अच्छा रहता है, इसमें चावल जो है बहुत बारीक पीसता है, क्योंकि ये चटनी पीसने वाला जार है, तो चटनी चटनी ही चावल को बना देता है। थोड़ा थोड़ा सा करते हुए चावल को पीसेंगे दोस्तों, अच्छे से पीसिएगा। दानेदार हमें नहीं चाहिए चावल का पेस्ट, एकदम बारीक चाहिए। तो अभी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा इसको पीस के देखते हैं, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। शुरू में यदि आप पानी डाल लेंगे तो चावल गोल गोल घूमता और अच्छे से बारीक नहीं हो पाता है। तो अभी आपको दिखाती हूँ, चावल को बिना पानी से पीसते हैं तो फिर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि चावल का आटा तैयार होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आटा का जैसे, देखिए कितना सूखा सूखा सा ये बन गया है, देख पा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है, जैसे कि ये फूला हुआ चावल का पिसा हुआ है। तो इसी तरीके से आप बिना पानी का पहले चावल को थोड़ा सा चला लीजिएगा, उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा करके पानी, इतना पानी डालेंगे कि चावल बहुत अच्छे से बारीक हुए। इसको बहुत ज्यादा गीला गीला सा नहीं करेंगे, जो पानी पड़ेगा तो बाद में इसमें पानी डाला जाएगा। तो चावल अब अच्छे से बारीक हो चुका है, लेकिन चावल को डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इसको छन्नी में डाल के एक बार जरूर छानिएगा। इससे क्या होगा, जो इसमें मोटा कण रह गया होगा वो छन के निकल जाएगा। चावल के पापड़ में हमें चावल का दाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से आप सारे बचे हुए चावल को पीस पीस के बारी बारी से और जमा कर सकते हैं, जितना भी 1/2 किलो 1 किलो जितना भी चावल का आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, सारे चावल को अच्छे से पीस लेती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, सारे चावल को पीस ली हूँ और चावल को पीसने के बाद बहुत चिकना साइज का पेस्ट हमें मिल चुका है। यदि आपको कलरफुल पापड़ बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं, और सफेद सफेद पापड़ बनाना है तो आप इसको सफेद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले चावल के पेस्ट में डाल लेंगे नमक। इससे पता चलेगा अभी के समय में नमक डालने से कि कितना नमक डालेंगे तो चावल का पापड़ हमारा बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि नमक ज्यादा हो जाने से फिर पापड़ का स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो जब भी आप इसमें नमक डालें तो बहुत ध्यान से नमक डालें, स्वाद से थोड़ा कम ही नमक डालें, सूखने के बाद एकदम बराबर हो जाता है नमक। दोस्तों आपको और भी हमारे पापड़ की रेसिपीज देखने हैं तरह तरह के, जैसे मूंग दाल, उड़द दाल के पापड़, तो आप YouTube पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। YouTube पर सर्च कर ले मी सहेली मूंग दाल पापड़ रेसिपी, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोज। आपको जो भी चीज का रेसिपी चाहिए, रेसिपी का नाम, हमारे चैनल का नाम लिख के आप YouTube पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोज। अब कहीं भी कोई दिक्कत हो दोस्तों, समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पापड़ में अच्छा सा स्वाद लाने के लिए आप इसमें अपने मनपसंद का मसाला ऐड कर सकते हैं। तो इसमें डाल लेती हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा इस तरीके से रगड़ के डालें, इसका स्वाद जो है बहुत अच्छे से खुल के आएगा। बहुत ज्यादा जीरा जीरा नहीं कीजिएगा, नहीं तो पापड़ का कलर जो है चेंज हो जाएगा जीरा की वजह से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफेद तिल। पापड़ फ्राई होने के बाद जो तिल का स्वाद है ना, बहुत अच्छा लगेगा, तो आप जरूर डाल लीजिएगा। और तिल कैल्शियम से भरपूर होता है, तो इस बहाने भी तिल खाया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो कमेंट कीजिएगा, घर में चिली फ्लेक्स कैसे बनाते हैं, मैं बना के वीडियो डाली हुई हूँ, घर में ही बना लीजिए। इस टाइप की रेसिपी के लिए चिली फ्लेक्स आप बाजार वाले क्यों लेके आएंगे जब घर में ही सस्ते में बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी सारी चीज डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। चावल का घोल जो है हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको चावल के घोल तैयार करने हैं। जब आप इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये दोनों जो है एकदम आपस में चिपकना नहीं चाहिए। और इस तरीके से जब आप चम्मच में कोट करते हैं तो देखिए कितना अच्छा से ये लगा हुआ है। तो इसी तरीके का आपको घोल रखना। यदि आपका घोल बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर आपके चावल के पापड़ जो है बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, एकदम से टूटा फूटा सा बनेगा। तो चलिए अभी हमारा घोल जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, जिससे कि सारा मसाला का फ्लेवर इसके अंदर मिल जाए। 3 से 4 मिनट हो चुका है चावल के घोल को रेस्ट पे छोड़ते हुए। दोस्तों वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। जब तक मैं आपको चावल के पापड़ फ्राई करके ना दिखा दूं तब तक पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज आप आधा अधूरा देखेंगे ना तो आपके पापड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेंगे। तो चलिए इसका बनाने का तरीका। तो बनाने से पहले क्या करना है दोस्तों, कि आप कोई भी इस टाइप का गहरा प्लेट में, थाली में आप पानी रख ले 1 गिलास, है ना। तो ये गहरा है क्योंकि इसमें जो पानी है इससे ही हम पापड़ निकालेंगे। पापड़ बनने के बाद आपको निकालने का भी तरीका अच्छे से बताऊंगी, तो ये काम आप एक थाली में करके रख लें। और यहाँ पर लेना है हमें चावल का घोल। तो अब बताती हूँ कि कैसे पापड़ बनाना है। दोस्तों कोई सा भी पुरानी कढ़ाई में आप 2 गिलास पानी डाल दे चूल्हे पर, उसमें कोई भी स्टैंड लगा दे जिसपे कि आप प्लेट को अटका सके, और इसमें लगा देंगे ढक्कन और पानी को अच्छा उबलने देंगे, गर्म होने देंगे। पापड़ बनाने के लिए आप सेम साइज का प्लेट ले सकते हैं, इससे छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं। आप पापड़ का साइज क्या रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप प्लेट ले लीजिएगा। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं लगाना है, नहीं घी लगाना है, नहीं तेल लगाना है, सिर्फ प्लेट में पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं। दोस्तों आप जो है ना पापड़ घर में ही बना के रखा करें, बाजार से भी अच्छा और ज्यादा टेस्टी पापड़ बन के तैयार होता है। तो 1 प्लेट में यहाँ पर 2 चम्मच घोल डाली हूँ, थोड़ा सा बचा भी ली हूँ, और देखिए इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो जब आप घोल को अच्छे से बनाएंगे ना तो ये घोल फैल जाएगा बहुत आराम से। और पतला लेयर ही डालिएगा, बहुत ज्यादा मोटा लेयर हमें नहीं बनाना है, नहीं तो पापड़ मोटे मोटे से बनेंगे। तो 1 चम्मच और आधा चम्मच करके इतना बड़ा प्लेट में आ गया है। प्लेट छोटा होगा तो आप 1 चम्मच ही डालेंगे, प्लेट इससे बड़ा होगा तो आप 2 चम्मच पूरा डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको जितना भी प्लेट में बनाना है बना सकते हैं। तो चलिए अब पापड़ बना के आपको दिखाती हूँ कि कैसे आज के पापड़ 2 घंटे में ही बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है और इसमें भाप भी बन गया है। तो इसके नीचे एक जाली और लगा दी हूँ, आप कोई भी जाली वाला बर्तन ले लीजिएगा जिसपे कि प्लेट जो है पापड़ का उसको अटका सके।
और इस तरीके से आप इसमें 3 से 4 प्लेट भी डाल सकते हैं। 4 प्लेट तो आराम से आ जाएगा इसमें। देखिए अब इसमें लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा के इसको भाप पे अच्छे से पकने देना। बहुत ही झटपट से पापड़ बन जाता है। ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा ना कि कौन इतना देर भाप पे पकाए, एक बार बना के देखिएगा, बहुत पसंद आएगा। तो जब पापड़ अच्छे से होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ पकने के बाद। दोस्तों पापड़ को चेक कर लेते हैं। जब पापड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसको पकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, 1 मिनट से कम का ही समय लगेगा एक बार के पापड़ को पकने में। तो आप अच्छे से इसको पकाइएगा। देखिए जब कलर बिल्कुल चेंज हो जाए तो ही प्लेट को निकालिएगा। यदि आप कम पका हुआ पापड़ निकाल लेंगे तो फिर वो टूटेगा सूखने के बाद। तो देखिए दोस्तों इस तरीके का कलर हो जाना चाहिए। और ऐसे ही बारी बारी करके आपको सारे पापड़ बना लेना है। तो आपको 2 पापड़ निकाल के दिखाती हूँ, 2 पापड़ बना के भी दिखाई हूँ, तो आप समझ गए होंगे। तो फिर मैं पूरा पापड़ खुद बना लूंगी। दोस्तों पापड़ को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप प्लेट निकालेंगे भाप के ऊपर से, तो इसको डाल देना है पानी में। पानी में डालने से क्या होगा, पापड़ ठंडा होने से प्लेट जो है बिल्कुल छोड़ देगा। और यहाँ पर लेना है चाकू, और चाकू की मदद से पहले पापड़ को चारों तरफ से किनारे से छुड़ा लेंगे और पापड़ को कहीं से भी पकड़ के निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से ये पापड़ निकलता है, और ये तरीका जो है बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी पापड़ बिना तेल का बना सकते हैं, और ये वाले पापड़ को जब तक चाहें रख भी सकते हैं, क्योंकि जब तेल लगा के पापड़ बनाते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें स्मेल आ जाता है, महक आ जाता है। और इस तरीके से जब आप पापड़ बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये कुछ भी नहीं इसमें खराबी होगा। तो इसी तरीके से सारे पापड़ को निकाल लेना है। दोस्तों एक पापड़ आपको और निकाल के दिखा देती हूँ, आप नए हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि इसको किनारे से इस तरीके से छुड़ा लेना है, क्योंकि इसमें तेल नहीं लगा है ना, तो ये चिपका हुआ रहता है। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें पता चल सकेगा कि हमारे YouTube फैमिली मेंबर में कहाँ कहाँ से नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से बहुत सुंदर सुंदर पापड़ आप बना के रख सकते हैं। और 2 घंटा में, मैं बताई कि 2 घंटा में ही आज का पापड़ बनेगा, तो 2 घंटा में पापड़ ऐसे बनेगा दोस्तों कि आपके यहाँ अच्छा कड़ा धूप होना चाहिए। धूप में पापड़ को अलट पलट करके सुखाइएगा तो ये 2 घंटा में ही पापड़ सूख के तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों सारे पापड़ को बना के सूखने डालती हूँ। जब सूखता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ 2 घंटे के बाद। दोस्तों हमारे पापड़ जो हैं 2 घंटे में सूख के तैयार हो गए हैं। यदि आपके यहाँ धूप नहीं है तो भी आप पापड़ बना सकते हैं, इसको पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं। पूरे रात छोड़ दीजिए, आराम से ये सूख के तैयार हो जाएगा। 2 घंटा के बजाय ज्यादा समय लग जाए तो लग जाए, लेकिन आप पापड़ को बना सकते हैं, धूप आता है या नहीं आता है। बहुत सुंदर से पापड़ हमारे सूखे हैं, एक भी पापड़ टूटे फटे नहीं है। और इसका कलर देखिए कितना ही प्यारा है, एकदम सफेद। जब पापड़ को फ्राई करूंगी तब आप समझिएगा इसका साइज कितना बड़ा होगा, जबकि इसमें ना ही पापड़ खार ना ही मीठा सोडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं की हूँ। तो चलिए दोस्तों कुछ पापड़ को फ्राई भी करके दिखाती हूँ। दोस्तों तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें एक पापड़ डालते हैं। अब देखिए पापड़ का साइज, देखिए दोस्तों इतना सुंदर पापड़ आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा। बिना मीठा सोडा बिना पापड़ खार का आपको पापड़ बना के दिखाई हूँ। तो देखिए दोस्तों एक पापड़ मैं आपको और फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए वही पापड़ है ना जो मैं आपको अभी बना के दिखाई हूँ। देखिए दोस्तों पापड़ का साइज आप देख पा रहे हैं कि कितना ही ज्यादा बड़ा बड़ा सा ये हो जा रहा है। बहुत ही सुंदर बहुत ही ज्यादा खस्ता पापड़ बनके तैयार होता है। तो आप लोग जरूर बनाइए और बनाने के बाद बताइए कि आपका पापड़ कैसा बना था। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।